हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का भारत प्रेप टीचिंग आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जान ही रहे हैं, आज हम बात करने आए हुए हैं आपके सी टेट के पेपर पर। अब तक इंतज़ार था, सी टेट का नोटिफिकेशन आएगा आएगा, और आते आते ये महीना भी चला ही गया है। और फिर से सुनाई दे रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक में मिल जाएगा, या आने वाले 10 दिन में मिलेगा, 15 दिन में मिलेगा। कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि अभी जो हम सीटेट 2022 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके नोटिफिकेशन का कुछ भी अता पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा, मतलब ये ज़्यादा पहले नहीं जाते हैं, बस अभी जो पेपर हुए ना उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूँ हो सकता है वो बात क्या मिले, काफ़ी हद तक सही मिले, और आपको तैयारी करने का क्या हो, एक बेहतरीन मौका मिले, बजाय इसके कि आप इस सोच में डूबे रहें या इस इंतज़ार में बैठे रहें नोटिफिकेशन आएगा, हम फॉर्म भरेंगे और उसके बाद तैयारी करेंगे। क्योंकि तैयारी कर लो, सीटेट का नोटिफिकेशन हमेशा अक्सर यही है कि साल में, हर साल होता क्या था, हर साल दो बार होता था ये। अब भी यही उम्मीद थी कि दो बार हो जाएगा। एक आपको मिल जाता था करीबन जुलाई के आसपास में, ठीक है, और दूसरा जो सीटेट होता था वो आपका दिसंबर के आसपास में मिल जाता था। तो नॉर्मल यही रहता था, अगर जुलाई में आ रहा है तो फरवरी तक आपके फॉर्म, फरवरी या मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाता था और पेपर की डेट वेट फिक्स हो जाती थी। दिसंबर में जो आ रहा है, अक्सर ये होता था कि अगस्त या सितंबर तक में नोटिफिकेशन आ जाता था और पेपर की डेट फाइनल होने के बाद हम आगे कंटिन्यू कर लेते थे, पर तैयारी वारी शुरू करते थे। लेकिन कोविड की सिचुएशन आई, उसके चक्कर में पूरा का पूरा, मतलब यूँ कह लो कि एक साल बस खिसता चला गया और काफ़ी देर के बाद पेपर हुआ। फिर थोड़ा कोविड सिचुएशन ठीक हुई और फिर पता चला कि पेपर कैसा हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अब आता है मेन मुद्दा, मेन बात, जिसके लिए यहाँ पर आज हम आए हुए हैं, कि जो सीटेट है, अगर हम बात करते हैं पहले की, ठीक है, पहले की इंसेंस की, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अभी आपका हुआ 2021-2022 में, और एक जो आपके चल रहे थे 2011 से लेकर के 2020 के आसपास तक में, सीटेट जितने भी हो रहे थे वो थे ऑफलाइन, और वो होते थे वन डे, एक दिन में। ठीक, जितने लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है उनको एक डेट दे दी जाती थी, दो शिफ्ट हो जाती थी कि आपका पहली शिफ्ट का पेपर ये है, दूसरी शिफ्ट का पेपर इतने बजे होगा, और उस एक दिन में ये पूरा का पूरा सीटेट हमारा क्या हो जाता था, पेपर कंप्लीट हो जाता था, बात हो गई ख़त्म, और उसके आने वाले महीने भर के अंदर में पूरी के पूरा उसकी जो प्रक्रिया होती थी, यानी कि उसके मार्क्स आ जाना, ठीक है, मार्कशीट आना, सर्टिफिकेट आ जाना, वो सारी चीज़ें हो जाती थी 1 से 1.5 महीने में। क्यों? क्योंकि एक दिन का पेपर था, ओएमआर शीट में होता था, और इतने समय में ये चीज़ें हो जाती थी। अब क्या हुआ, आपका पेपर अभी जो आपने दिया होगा, नहीं तो आप जान ही रहे होंगे कि 16 दिसंबर से पेपर शुरू हुए, 16 दिसंबर से पेपर शुरू हुए, और लगभग लगभग एक महीना मान के चल लो 25 जनवरी के आसपास तक में ये पेपर चले, एंड हो गए, यानी कि पेपर जो चले वो कितने चले, एक महीना पेपर चला, एक महीने पेपर चला। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, और इस एक महीने में भी मान लेते हैं कुछ संडे थे, कुछ सैटरडे थे, बीच में एक खबर आई थी कि साइट हैंग कर गई, सब कुछ हुआ, लेकिन हुआ क्या, इस एक महीने में जो आपका पेपर हुआ, ठीक है, इस एक महीने में आपके जितने पेपर हुए वो सारे के सारे पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। और सोचो जरा, अगर हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं, एक्सपेक्टेड भी ना माने, गिनती भी ना करें, हम एवरेज मान लेते हैं कि 20 पेपर आप लोगों के हुए, ज़्यादा नहीं, 20 पेपर आप लोगों के हुए, तो इन 20 पेपर के लिए कितने क्वेश्चन, 150 क्वेश्चंस
क्रिएट करने हैं, बनाने हैं, सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने हैं, सही तरीके से सॉफ्टवेयर चल जाए, इस चीज़ के लिए सारे का सारा बैकएंड पर चीज़ें चाहिए, मतलब सब कुछ यहाँ पर चाहिए कि ऑनलाइन में ये पेपर हो सके। ठीक है, अब 20 × 15 तो 15 × 30 हो गया, और करीब करीब कितने हो गए, 30,000 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिले। कितने मिल गए हमें, 30,000 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब खुद सोचो आप, अगर आपको बोला जाए कि एक 150 क्वेश्चंस का पेपर बनाया जाए तो हमें लगभग पूरा दिन लग जाता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाटने में, और जहाँ हमें 3,000 क्वेश्चन बनाने हैं वहाँ कितना समय लगेगा, और ना सिर्फ बनाने हैं बल्कि उनको अपलोड भी करना है। ठीक, तो ये कारण है कि पेपर हो सकता है एक ही बार हो। अब देखते हैं और क्या रीज़न मिलता है आपको। तो देखो, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, मान लेते हैं हम अगले महीने जुलाई में, ये मान लो एक ही तारीख को अगर नोटिफिकेशन आ भी गया, जिसकी संभावना कम ही है लेकिन मान लेते हैं आ भी गया, तो कम से कम एक महीना दिया जाता है नोटिफिकेशन में, फॉर्म फिल करने में, करेक्शन वरेक्शन सारी चीज़ें लगभग लगभग, और एक महीने के बाद, मतलब कि ये मान के चलो नोटिफिकेशन आने से 2 से 2.5 महीने के बाद, तो जुलाई और यहाँ पर हम अगस्त पहुँच गए, यहाँ पर हम पहुँच गए करीब करीब सितंबर या अक्टूबर में। ठीक है, और यहाँ से हो गए आपके पेपर स्टार्ट, और पेपर चल रहे हैं आपके अक्टूबर और नवंबर तक, और फिर इस बार का जो सिनेरियो रहा वो यही कि लगभग 1.5-2 महीने लगा सारे करेक्शन लेने, ऑब्जेक्शन लेने और सारी सारी चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए। तो पेपर का रिजल्ट दिसंबर में आया, रिजल्ट कब आया, दिसंबर में, मतलब अगर हम जुलाई से लेते हैं दिसंबर तक में लेते हैं तो उसके बाद ऐसा तो नहीं कि जनवरी में फिर से आ जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, चीज़ें रूटीन में हो जाएंगी। तो अब एक महीना पेपर चल रहा है, पूरा मैकेनिज्म चाहिए, तो ये कुछ संभावना है कि हम, यानी कि अब CBSE हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें तो अभी उन पर ही डिपेंड कर रही हैं, हो सकता है कि इस लंबे एक महीने के प्रोसेस की वजह से जो पेपर हो वो क्या हो जाए, अब वो आप लोगों का केवल एक ही बार हो जाए। ठीक है, जो अभी चीज़ें चल रही हैं थोड़ा अगर उन पर ध्यान दो तो हो सकता है आने वाले समय से आपका पेपर एक ही बार हो जाए। ठीक, और वहीं पर ही सारे का सारा क्या किया जाए, फोकस किया जाए CBSE के द्वारा कि भाई चीज़ों को सही तरीके से मेंटेन कर दिया जाए। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा था वो इस बेसिस पर आपको बता रहा था। बाकी नोटिफिकेशन जब भी आएगा, जो भी आएगा, एक बार होगा या चार बार होगा, बात फिर से वही है कि आपको फोकस रखना है किस पर, अपनी तैयारी पर। ठीक है, अगर एक बार भी पेपर होगा तब आपको क्या करना है, क्लियर कर देना है। ठीक, तो इसलिए इन सब चीज़ों की और इन सब चर्चाओं पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है अपनी तैयारी, क्लासेस करनी है और क्या करना है, और जब पेपर, जब नोटिफिकेशन आएगा तुरंत फिल कर देना है। बाकी की चीज़ें क्या होंगी, CBSE के द्वारा जैसे ही क्लियर की जाएंगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो भाई ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।